नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वन कर्मियों पर लगा आम की फसल तोड़ने पहुंची थारू जनजाति की पिटाई करने का आरोप। थारू जनजाति के लोग बोले, आम की फसल को वन विभाग ने ठेके पर दे रखा है, इसलिए सिर्फ आम तोड़ने की अनुमति लेने पर वन कर्मियों ने हमें बुरी तरह मारा पीटा है। कतरनिया वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कतरनिया रेंज में सेंट्रल स्टेट फार्म बना हुआ था, जिसके अंतर्गत सैकड़ों बीघा भूमि पर कृषि व बाग लगाए हुए थे। वर्षों पूर्व जब कतरनिया प्रभाग को संरक्षित वन्य क्षेत्र घोषित किया गया, उसी के बाद से तत्कालीन सरकार ने सेंट्रल स्टेट फार्म को खत्म कर उस जगह लगे बाग बगीचों को पूर्ण रूप से वन विभाग के अधिकार में दे दिया। इस सेंट्रल स्टेट फार्म के कई एकड़ भूमि पर आम का बगीचा लगा हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ष कुंटलों आम के फल तैयार होते हैं। शुक्रवार को सुजौली थाने में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे कतरनिया रेंज के बिसुनापुर गांव के थारू जनजाति के समुदाय के लोगों ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में आम के पेड़ों में बौर आते हैं, तो आम के फलों के सौदागर मोटा मुनाफा कमाने हेतु वन विभाग से साठ गांठ कर इन बागों की रखवाली करने लगते हैं और आम की फसल तैयार होने पर स्थानीय निवासियों को बुलाकर आम तोड़कर आधा आधा का बंटवारा भी कर लेते हैं। इस बार भी हम लोग आम तोड़ने बगीचे के समीप पहुंचे तो बाग में प्रवेश करने से पूर्व बाहर खड़े होकर वन विभाग की अनुमति हेतु वन कर्मियों की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वन कर्मी अपनी सरकारी गाड़ी से वहां पहुंचे, उन्होंने हम लोगों से बिना कुछ पूछे लाठी डंडों से बुरी तरह हमें मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे हम महिलाओं को काफी चोटें आई हैं। हम आम तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन रोड पर बैठे थे, कटनिया गए थे, रोड पर बैठे थे और वो लोग आए, तुरंत गाड़ी से उतरे, बोलने का मौका भी नहीं दिए, बस भरा भर लाठी मारने लगे। हमने सोचा कि हम पूछ कर आम तोड़ेंगे, लेकिन वो लोग आए बोलने के लिए, बोलने का मौका भी नहीं दिए हम लोगों को, बस आए लाठी तोड़ने लगे हम पर। हमने सोचा पूछ कर तोड़ेंगे, लेकिन बोलने का मौका भी नहीं दिया हम लोगों को। पेट मन लागे हैं वही पीठ मारे, पेरू मन वही चुत्तर मन बहुत मारे हैं। लाठी पहले की सबसे पहले तो यही मार पहले थी, सबसे किनारे नहीं उतरती गाड़ी पर से घूम घूम हेरी अपन बिटिया दवाई खाई ना हेरी नहीं तब कहूं सुर पहनो लौरे में के जासे ज्यादा यही हुई मोटरी मौका नहीं है मोटरी ले मोटरी ले ना ले अब लौरे के चक्कर में लेकिन गुड गुड पाछे से लगा के पाएंगे तब मुझे मोटरी लपटा के देने भोस लिया। पूर्व प्रधान बलिराम का कहना है कि जब हर साल थारू महिलाओं को बुलवाकर आम तोड़वाया जाता रहा है, फिर उसे आधा आधा बांट लिया जाता है, तो इस बार हमारे गांव की महिलाओं को वन कर्मियों ने इतनी बुरी तरह क्यों मारा। थाना सुचौली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वन विभाग इस तरह की बातों का खंडन कर रहा है। वन विभाग का कहना है कि स्टेट फार्म खत्म होने के बाद से ये बाग पूरी तरीके से प्रतिबंध क्षेत्र में है, यहाँ किसी तरह की खरीद फरोख्त या ठेका प्रथा नहीं की जा सकती है। डीएफओ कतरनिया जीपी सिंह ने कहा कि वन कर्मियों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद व फर्जी हैं। जिस जगह आम का बगीचा है वह कोर जोन फॉरेस्ट में आता है, उन्हें कोर जोन में जाने से मना किया था। जिस जगह आम का बगीचा है वह कोर जोन फॉरेस्ट में आता है। पिछले दिनों कोर जोन में वन्य जीवों के हमले में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। गांव गांव चौपाल लगा व पर्चे तथा पैम्पलेट बांटकर ग्रामीणों को इन क्षेत्रों में जाने से मना किया जाता रहा है। जब ग्रामीण जबरन कोर जोन में आम तोड़ने जाने लगे तो ग्रामीणों की सुरक्षा के उद्देश्य हेतु वन कर्मियों ने उन्हें कोर जोन में जाने से मना किया था। किसी के साथ कोई मारपीट की घटना नहीं की गई है। हम बिसनापुर के पूर्व प्रधान है। हमारे गांव के लोग जो है हर साल हर वर्ष जो है आम जब तैयार होता है तो मतलब कि तोड़ने के लिए बुलाए जाते हैं, तो जाते हैं तोड़ने, जिसमें आधा बतैया पे है तो वही मतलब बुलवा था इन लोगों का या ऐसे ही था, तो ये गांव के लोग कुछ गए थे आम तोड़ने और तोड़ने क्या जाके रोड पे बैठे थे कि फॉरेस्ट वाले आएंगे और उनसे जो है पूछ कर आम तोड़ ली जाएगी, जिसमें जो बतैया लेंगे आधा बतैया दे दी जाएगी और आधा ले आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आम है नहीं बाकी किसी का इतना बड़ा जिससे हम लोग की वहीं से लाके तो
तब तक फॉरेस्ट वाले उधर से आए, ये रोड पे बैठे अपना झुंड बना के बैठे, लेकिन आएंगे तभी पहुंच के ही तुरंत। तब तक फॉरेस्ट वाले 2-3 जीप लेके आए और इतना इन लोगों को मारे, इतना मारे कि बेहाल कर दिए मार के। किसी को तो वहां से उठा के लाया गया, कोई गिरते आया, कोई 2 लड़कियां वो भी गायब हो गई, फिर बड़ा मुश्किल से मिली। भद्दी गालियां दिए और बहुत बुरी तरीके से इनके साथ बहुत बड़ा मतलब किया।